फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ग्रीन चटनी रेसिपी। ये स्पेशल बिगिनर्स के लिए रेसिपी है, जिसके लिए मैंने लिए हैं हरा धनिया, कड़ी पत्ता, पुदीना के पत्ते, फ्रेश पुदीना लेने हैं, नींबू, अदरक, हरी मिर्च, जीरा, नमक और ये है रोस्टेड चना। ये स्पेशली हम ग्रीन चटनी सैंडविचेस के लिए बना रहे हैं, तो इसके लिए मैंने जो रोस्टेड चना यूज किया है, ताकि ये जो चटनी है वो सैंडविचेस में पानी पानी सी ना रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले हम ये हरे धनिया को ब्लेंडर में डाल देते हैं। इसके बाद कड़ी पत्ता सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैंने यूज किया है, और इसका स्वाद भी बहुत ही निराला आएगा, आप देखना, टेस्ट करना। जीरा है 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, अदरक, ये अदरक और हरी मिर्च जो है वो मैंने काट लिए हैं और डायरेक्टली हम डालेंगे। मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। ये थोड़ा ब्लेंड हो चुका है, अब हम इसमें रोस्टेड चना डालते हैं और थोड़ा सा पानी डालेंगे, एकदम थोड़ा सा। ये छोटा सा ग्लास है, उसका आधा से भी कम ग्लास डालना है, और नींबू डाल देते हैं। ये नींबू प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, चटनी का कलर भी बरकरार रहेगा, ग्रीन रहेगा। तो इसी तरह से हम नींबू डाल देते हैं और अब हम वापिस ब्लेंड करेंगे इसको। अब हम वापिस ब्लेंड करते हैं, तो ये